नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट की नई प्लेट मिल अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक कार्य कर रही है। राउरकेला स्टील प्लांट के वित्तीय वर्ष के द्वितीय तिमाही हेतु स्टार परफॉर्मर पुरस्कार प्रदान। और वेदवाद संगीत नृत्योत्सव में दर्शक मंत्रमुग्ध। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट की नई प्लेट मिल अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक कार्य कर रही है। मिल ने अपनी क्षमता का 105% उपयोग कर अक्टूबर 2017 माह में 80,898 टन प्लेटों का उत्पादन किया, जो कि इसका सर्वश्रेष्ठ निष्पादन भी है। मिल ड्राइव, लेवलर, वाटर सर्किट, कूलिंग बेड, डबल साइड ट्रिमिंग शेयर, TSTS, डिवाइडिंग शेयर, ऑटो मार्किंग प्रणाली के साथ साथ उचित स्लैब प्लानिंग जैसी प्रक्रिया सुधार चरणों में कई नई पहल की गई है। डेटा की उपलब्धता और विश्लेषण के साथ तत्काल परीक्षण का आयोजन मिल के उत्पादन रिकॉर्ड को प्राप्त करने और ग्राहकों की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक समय लगता है। इसके अलावा आधुनिकीकरण एवं विस्तारण के तहत चालू की गई अन्य इकाइयों ने भी अक्टूबर 2017 माह में अपनी क्षमता या उससे अधिक प्रदर्शन किया। ब्लास्ट फर्नेस 5 का संचालन 99.6% की क्षमता पर हुआ, जबकि सिटरिंग प्लांट 3 ने 102%, स्टील मेल्टिंग शॉप 2 ने 100% एवं कोक अवन बैटरी 6 ने 103% निष्पादन किया। यह उपलब्धि CEO श्री अश्विनी कुमार के दूरदर्शी नेतृत्व में हासिल हुई, जिन्होंने स्टील प्लांट के कर्मी समूह का पहले से ही नेतृत्व किया था। प्रबंधन शैली में उनकी भूमिका, जो सावधानीपूर्वक योजना बनाने और निगरानी पर केंद्रित है, जिसने कर्मचारियों को विश्वास के साथ मार्गों का चयन करने में सहयोग किया। समय समय पर प्रमुख इकाइयों में शटडाउन एवं निवारक अनुरक्षण की आवश्यकता अब RSP में दिन का आदेश बन गया है, जो बड़ी मात्रा में ब्रेकडाउनों की संभावना को समाप्त करने में सहयोग कर रही है। CEO का शॉप फ्लोर के कर्मचारियों के साथ प्रत्येक अवसर पर जुड़ना, यह सफल होने तथा मरम्मत अनुरक्षण कार्य पर नज़र रखने तथा उनके निर्देशन से कर्मी समूह को उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देती है। राउरकेला स्टील प्लांट के CPTI ऑडिटोरियम में 2 नवंबर को आयोजित एक समारोह में RSP के CEO श्री अश्विनी कुमार ने विभिन्न वर्क्स विभागों के जूनियर एवं मिडिल स्तर के 7 अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय तिमाही के लिए स्टार परफॉर्मर पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे प्रबंधक कोक अवन इलेक्ट्रिकल श्री हीरक कुमार राउल, प्रबंधक सिटरिंग प्लांट 3 श्री जितेंद्र कुमार साहू, उप प्रबंधक स्टील मेल्टिंग शॉप 1 मैकेनिकल, कनिष्ठ प्रबंधक क्रेन मेंटेनेंस श्री दुखीश्याम सोरेन, प्रबंधक ई एवं ईएस श्री विपिन कुमार, उप प्रबंधक ट्रैफिक एवं रॉ मटेरियल श्री बी सूरज कुमार सुबुद्धि, प्रबंधक सिलिकॉन स्टील मिल ऑपरेशन श्री प्रदीप कुमार पात्र। प्रत्येक को एक ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, जबकि पुरस्कार विजेताओं को समर्थन देने के मान्यता स्वरूप उनकी पत्नी को मिठाई के पैकेट दिए गए। अपने संबोधन में CEO ने स्टार परफॉर्मरों को कंपनी में बदलाव लाने एवं उनके जीवन साथी द्वारा समर्थन देने हेतु बधाई दी। RSP के CEO ने कहा, इस मान्यता स्वरूप पुरस्कार का उद्देश्य दूसरों को इसका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना है। मिल क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाओं की क्षमता का हवाला देते हुए CEO ने सभी को न्यूनतम अपव्यय के साथ मौजूदा सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने एवं ब्रेकडाउनों को कम करने हेतु प्रेरित किया। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के प्रधान ने कहा,
प्रदर्शन, दृढ़ता, प्रतिबद्धता, समर्पण और कड़ी मेहनत ने स्टार परफॉर्मरों को दूसरों से श्रेष्ठ बनने में सहयोग किया और उन्हें प्लांट की उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने का आग्रह किया। कार्यपालन निदेशक वर्ग श्री शुभेंद्र दास ने स्टार परफॉर्मर एवं उनकी पत्नियों को बधाई देते हुए कहा, अक्टूबर का उत्कृष्ट प्रदर्शन आरएसपी कर्मी समूह की क्षमता और दक्षता का प्रमाण है। कार्यपालक निदेशन सामग्री प्रबंधन श्री परमानंद साहू ने युवा पीढ़ियों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को सीखने का आग्रह किया और मौजूदा प्रणालियों की तकनीक को अपनाने का आग्रह किया। कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री राजीव अग्रवाल ने सभी से परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रोजेक्ट टीम के साथ सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया। कनिष्ठ प्रबंधक कार्मिक सुश्री ऋचा सुधीराम ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि तिमाही के आधार पर उत्पादन, निष्पादन, लागत नियंत्रण के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले E1 से E5 स्तर के अधिकारियों के पहचान हेतु वर्ष 2016 में तिमाही के स्टार परफॉर्मर प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत अब तक 28 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। इस योजना की अनूठी विशेषता यह है कि यदि इस योजना के तहत किसी अधिकारी को एक बार सम्मानित किया गया है और वह अपनी उत्कृष्टता को जारी रखता है तो उसे एक तिमाही के बाद फिर से सम्मानित किया जा सकता है। भंज भवन में भंज कला केंद्र द्वारा आयोजित मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम वेदव्यास संगीत नृत्योत्सव के दूसरी शाम दर्शकों में उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया देखने को मिली। ओडिशा राज्य सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री माननीय अशोक कुमार पंडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शाम को उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रघुनाथपल्ली के विधायक श्री सुब्बत तराई तथा भारतनाट्यम की प्रख्यात नर्तकी पद्मभूषण डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थीं। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री शुभेंद्र दास, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री परमानंद साहू, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री राजीव अग्रपाल, दीपिका महिला संगति के सभी उपाध्यक्षाएँ श्रीमती मीनाक्षी प्रधान, श्रीमती रूना दास और श्रीमती ज्योतिमयी साहू उपस्थित थीं। माननीय मंत्री ने स्वर्ण जयंती के लिए भंज कला केंद्र को बधाई दी और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से न केवल हमारी कला और संस्कृति को संरक्षित किया बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया। गुरु डॉक्टर बंसीधर बहालिया के निर्देशन में भंज कला केंद्र के कलाकारों द्वारा वायलिन कंसर्ट के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। दिल्ली की प्रख्यात भरतनाट्यम नर्तकी पद्मभूषण डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन तथा उनकी टीम द्वारा भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया गया। बांग्लादेश ढाका की तहमीमा भीम एवं उनके ग्रुप द्वारा बांग्लादेश लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया तथा श्री अशोक पंडा एवं उनके ग्रुप द्वारा प्रस्तुत लोकप्रिय संबलपुरी लोक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य और संगीत के इस 5 दिवसीय उत्सव में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल का त्यौहार भंज कला केंद्र के स्वर्ण जयंती वर्ष का भी प्रतीक है। भंज कला केंद्र के अध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार महंती ने सभा का स्वागत किया और भंज कला केंद्र के महासचिव श्री राधाकृष्ण महापात्र ने उद्घाटन समारोह का संचालन किया। उप महाप्रबंधक परियोजना तथा भंज कला केंद्र के सलाहकार श्री असीम बेहरा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जनसंपर्क विभाग के श्री शशांक पटनायक और सुश्री कोयना दस्तीदार कार्यक्रम के उद्घोषक थे। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।